नहीं परेशान होती हूँ। जहाँ मालूम पड़ गया ये आलू पराठा खराब है तो मेरे को चॉइस है, हक है कि मैं इस आलू पराठा को अपने सामने से हटा दूँ और मुँह के अंदर लेकर ना जाऊँ, है ना। तभी तो मालिक ने मेरे को दो नाक दी है कि तू पहले सूंग, फिल्टर कर, अपने अंदर ऐसी चीज़ मत डाल जो तेरे शरीर को डैमेज करेगी। तो जब इतनी सुजागी मालिक ने, वन प्रोटेक्शन एप्टीट्यूड टू सेव योर बॉडी जब भगवान ने हमको दिया है इस देह के लिए, तो मन के लिए नहीं दिया होगा, मन के लिए नहीं दिया होगा। दिया होगा ना तो जो चीज़ मुझे नहीं सुहा रही है, अंदर में एक एक इरिटेशन वाली फीलिंग आ रही है, एक नॉट फीलिंग सेटल्ड वाली फीलिंग आ रही है, समझ जाओ देर इज समथिंग दैट इज देयर इनसाइड व्हिच इज एक्सट्रीमली स्टेल। कोई ऐसी चीज है मन के अंदर जो बहुत टाइम से पड़ी हुई है, मतलब खराब हो रही है। मेरे ही मन की फितरत, मेरे ही मन के पना जन्मों से यहाँ पर पड़े हुए सड़ रहे हैं, सड़ रहे हैं, और उसकी बदबू मेरे को परेशान कर रही है। मतलब मुझको बात बात पे क्रोध आएगा, मुझे बात बात पे कंपैरिजन वाली वृत्ति आएगी, बात बात पे सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आएगी। काहे की इनसिक्योरिटी, किसको सिक्योरिटी चाहिए? जो दिखता है शरीर को हम देख सकते हैं, तो इसके नाश होने का डर मुझको लगता है, क्योंकि मन द्वारा क्या समझ है, ये शरीर ही मेरी पहचान है। पर जब तक मैंने मन का संग इस अज्ञान के साथ होने दिया, तब तक ये बदबू मुझको सताएगी। बाहर से आलू पराठा को तो मैं ऐसे प्लेट को हटा दूं, मन के विकार को किस प्रकार हटाऊंगा? मन के विकार, हाउ डू आई जस्ट पुश इट अवे, हाउ कैन दिस थिंग गेट आउट ऑफ माई हेड, आई डोंट लाइक इट, अ सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। इसने तो ऐसा, ओहो अभी मेरा पत्ता ना कट जाए, ओहो इस ये वहां पर मुस्कुरा दी, कहीं मेरी दोस्ती इसके साथ खत्म ना हो जाए, ओहो इसका फोन आ गया मुझको क्यों नहीं आया, इसके पास कैसे, ये मेरे दिमाग से जाए तो जाए कैसे, आज मेरा खेल नहीं हुआ, पता नहीं कल होगा कि नहीं, अरे अब ये डर कहां से जाए। देखो हर बात का मालूम भी पड़े, मैं उससे अपने आप को बचा भी सकूं और मेरा मन भी ना हिले। आलू पराठा सड़ गया है, ये मेरे पेट से जाने से बच गया, तो मैं अपने नाक को थैंक यू बोलूं कि दुखी हूं? थैंक यू बोलूं ना तो वो जो स्मेल मुझको आ सकी उसके लिए निराकार का शुक्राना करूं कि उसको कोसूं? शुक्राना करूं ना, तो मैंने अपने आप को बचा लिया। इसके और गहरा उतरते जाएंगे, उतरते जाएंगे तो बड़ा मजा आएगा कि ये स्मेल भी दिया किसने, जिसने ये स्मेल देने वाली शक्ति दी उसी ने आलू पराठा भी सामने रखा। तो किसी के लिए ना मेरे को राग आएगा, ना किसी के लिए मेरे को द्वेष आएगा। अपने अंदर की ये समझदारी को और सूक्ष्मता की ओर लेकर जाना ही प्रेम है, यही प्रेम है। अपने ऊपर पूर्ण कृपा करते जाना ही प्रेम है। तो आलू पराठे को हटा दिया, मन से विकार को कैसे हटाओगे ये मुझे समझाओ, कैसे मन से अपने को। हाँ एक दो चीज है, दो चीज है, जब जब मेरे अंदर में एक अनसेटल्ड फीलिंग आ रही है, क्या पहचान जाओ? सड़ा हुआ आलू पराठा। मन में अनसेटल्ड फीलिंग आ रही है तो क्या पड़ा है मन के अंदर? जोर से बोलो, सड़ा हुआ आलू पराठा। इमेजिन करना, बाहर से मैंने प्लेट को हटा दिया, शुक्राना मानकर हटा दिया, कर्म नहीं बनाया कि तूने मेरे सामने आलू पराठा कैसे डाल दिया जो सड़ा हुआ है। कर्म के अकाउंट को हम बढ़ाने नहीं आए हैं, पर बात को समझने आए हैं। तो वो तो हमने हाथ से हटा दिया, अब मन के अंदर में इनविजिबल हैंड को क्रिएट करो जो आपके अंदर का सड़ा हुआ पराठा को हटाए। जब तक सड़ापना मन के अंदर से गया नहीं, तब तक अमृत तत्व की अंदर में खुशबू आएगी नहीं, आएगी नहीं। मन को संग दिया आलू पराठे का, डकार आएगी, कौन सी, पेट में डाल दो क्या होगा, इनडाइजेशन मन के अंदर में सुबह दोपहर शाम है क्या हमारे अंदर? हमने उसको एक्सपोज कौन से डायरेक्शन में किया, तो उसको उसका रंग तो मिलना ही है, मिलना ही है।
पहचानो, पहचान कर एक एक विकार से जूझना है, डरना नहीं है, पीछे हटना नहीं है, भागना नहीं है। किस अगर अंदर में कुछ भी हो रहा है और मुझको लगता है इस चीज़ को यहाँ से हटाकर वहाँ करूँ तब जाके मुझे शांति आए, बकवास है। चीज़ को वहीं पर रहने दो। चीज़ से, जड़ प्रकृति से मैं विक्षिप्त हो सकता हूँ, शेम ऑन मी, शेम ऑन मी। अब ये सुनीता यहाँ बैठी है, उसको मैं बोलूँ यहाँ से उठकर यहाँ बैठो तभी मुझे शांति आएगी, क्योंकि ये यहाँ बैठ रही है ना, मेरे को ठीक नहीं लग रहा है। मेरी शांति चेतन प्रकृति पर डिपेंडेंट है, शेम ऑन मी। आलू पराठा सामने है, बदबू यहाँ से आ रही है, बर्तन को ठीक करो, किचन को साफ करो, उस प्यारी को बोलो हट जाए, मैं थोड़ा अपने कपड़े बदल लूँ, पता नहीं कहाँ से बदबू आ रही है। क्या कर रहे हैं? अपनी माया को बढ़ाते जा रहे हैं, पॉइंट पर आ ही नहीं रहे हैं, विकार को पहचान ही नहीं पा रहे हैं, गड़बड़ी कहाँ है ये समझ ही नहीं पा रहे। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट वॉच वॉट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू। जिस चीज का एहसास हो रहा है आप ही के कारण हो रहा है, मन को और शक्ति मालिक ने दी ही नहीं है। अंदर में किसी भी प्रकार की विक्षिप्ता उत्पन्न हो रही है, अ सेंस ऑफ बींग अनसेटल्ड, चीजों को हिलाना बंद करो, बंदों को बातें बोलना बंद करो, सामने किसी भी प्रकार की चेंज की अपेक्षा रखना, आप खुद ही पोस्टपोन कर रहे हो अपनी शांति को, वो उसको वो करना बंद करो। वो ना भक्ति है और वो ना प्रेम है, ना ही उसके द्वारा उन्नति है। अंदर में पहचान जाओ और मन को संग दो आत्मिकता का, मन को संग दो आत्मिकता का। कितनी भी आ जाए कुछ भी आंधी, कितनी भी आ जाए कुछ भी, क्योंकि मन लिमिटेड है। वो अपनी सेंस ऑफ सिक्योरिटी को किस पे निर्धारित करता है? जितना आपकी आय खत्म होगी उतने आप सिक्योर्ड हो। ऐसा नहीं बैंक में 10 करोड़ होगा तो मैं सिक्योर्ड हूँ। पैसा आपकी मौत को पोस्टपोन नहीं कर सकता, पैसा आपकी बीमारी को ख़त्म नहीं कर सकता, पैसा कार्मिक अकाउंट को भी ख़त्म नहीं कर सकता। अरे हमारे अकाउंट्स बहुत पावरफुल होते हैं। हैविंग सेड दैट, हमारे अंदर की गहराई की समझ भी बहुत पावरफुल हो सकती होती है। कल का दिमाग को मालूम नहीं है फॉर अ रीज़न। डू यू नो व्हाट दैट रीज़न इज? कोई बता सकता है? थोड़ा सा बात करूं मैं, समझूं आपकी सूक्ष्मता को। क्यों कल की बात आज मालिक ने मुझे नहीं बता के रखी है? किस कारण? हाँ ज्योति जी, क्योंकि हाँ क्योंकि हम दुखी सुखी हो जाएंगे। अच्छा, समझ के फिर सुखी होएंगे तो चलो शाबाश। और कौन बोलेगा? मेरी उन्नति वहीं रुक जाएगी बोलती है। और कौन बोलेगा? बोलो, कौन बोल सकता है? हाँ, फिर हम कल का ही संग करेंगे, ईश्वर का संग नहीं करेंगे। अच्छा, और बोलो, कोशिश करो, बोलो 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 आनंद संत। वाई नॉट लिव इन द प्रेजेंट दीदी? देन वी विल नॉट लिव इन द प्रेजेंट, वी विल ओनली लिव ऑन फॉर टुमारो, ऑन थिंकिंग अबाउट टुमारो। अच्छा, तो समझो मेरी बात, मालिक ने कल की बात आज मुझे नहीं बता के रखी है। पता है क्यों? क्योंकि कल जैसी चीज़ बनी ही नहीं है, क्योंकि कल जैसी चीज़ बनी ही नहीं है। जिसको जो चीज़ बनी ही नहीं है उसको सोच कर जो चीज़ है वो उसका हम अभाव करके बैठे हैं। मतलब फ्रेश खाना किचन में है पर सड़ा हुआ आलू का पराठा सामने है, तो वो चीज़ खाना इजी है क्योंकि सामने है। फ्रेश खाना चाहिए, शरीर को उठाना पड़ेगा, किचन में जाना पड़ेगा, थोड़ा सा चौक लगाना पड़ेगा, प्लेट में लेना पड़ेगा, फिर बैठ के खाना पड़ेगा। पर आलू का पराठा तो है पुराना, है सड़ा हुआ, पर बनाया तो है ना, बना बनाया है, सामने है, खाना इजी है। कल जैसी चीज़ बनी ही नहीं है पर उसके बारे में सोचने की आदत तो है ना, अब वो आदत बन गई ना। प्लीज अंडरस्टैंड,
आदत बन गई, तो अब उसकी आदत मन को हो गई, अब वो ऑलरेडी फ्लो में है. टू थिंक अबाउट समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट हैज बिकम माई थॉट पैटर्न. सो सैड. भगवान से मैं बहुत दूर हूँ. भगवान मतलब सच. भगवान मतलब टू बी ग्राउंडेड. भगवान मतलब नाउ. इजनेस. एनीथिंग इज योर माइंड इंडल्जेस इज माइंड मेड नॉट गॉड मेड. सो इफ यू वॉन्ट टू. एंड वॉट इज द प्रमाण? जो चीज है नहीं उसके बारे में मन जब सोचने उतरता है अंदर में डर उत्पन्न होता है. आलू पराठा की बदबू. डर उत्पन्न होता है और इंडल्ज करते हैं कल के बारे में. और इंडल्ज करते हैं. आलू पराठा खा लिया, टेस्ट चिक चिक के बोल रहा है, सड़ा हुआ है, फर्मेंटेड है, अच्छा नहीं है. आलू उबला हुआ खराब कभी चखा है? गलती से ट्रेन में लेकर जाते थे, खराब हो गया, भूखे रह जाएंगे, एक केला खा के पानी पीकर सो जाएंगे, लेकिन वो सड़ा हुआ आलू नहीं खाएंगे. और अगर हमने खा लिया, मुंह का टेस्ट, चलो मुंह तक पहुंच गया, थूक दो भाई, मालूम पड़ गया. पर थूकना मुश्किल है ना, उठना पड़ेगा, वॉश बेसिन के पास जाना पड़ेगा. तो अभी खा ही लिया है तो घटक लो जी अंदर, आसान है ना, पेट देख लेगा, पेट देख लेगा. पेट को तो मैं देख नहीं सकती ना अंदर क्या हो रहा है, तो पेट देख लेगा. अब खा लिया, अब पेट तो फिर देखेगा ही उसका रिजल्ट क्या होगा. मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, माइक में हम सबको ये बात मालूम है. तो ऐसे ही जब जड़ प्रकृति कितना निष्काम में है, कितना वो जहर को भी डाइजेस्ट करने की कोशिश करती है, फिर भी हमारे ही चंचलता और आलस्य के कारण इसमें हम गड़बड़ गड़बड़ चीजें डाल हैं, रसों के कारण. Why? Because we are just so habituated. It is easier. ऐसे ही कल जो चीज बनी ही नहीं है उसकी समझ के लिए क्या करना पड़ेगा? अंदर गहरा थोड़ा बहुत उतरना पड़ेगा. दिमाग को डीप इंटेंस नाउ, राइट इन द नाउ, राइट इन द नाउ में लाना पड़ेगा. बट इट इज सो मच मोर इजियर टू कंटिन्यू फीलिंग सैड एंड इनसिक्योर्ड. इट्स सो मच मोर इजियर. इसने मेरे को धोखा दे दिया, इसने इससे बात कर ली, इसने वैसा कर लिया, अब कल क्या होगा, अभी तो है नहीं तो अब मालूम नहीं होगा कि नहीं. इजियर, क्योंकि हमको लगता है झेलना तो मुझको ही पड़ने वाला है. अगर मेरा बेटा आज पढ़ेगा नहीं तो वो फेल होगा, तो झेलना तो मुझको ही पड़ रहा है, मुझको ही पड़ेगा. गलत सोच, गलत सोच. हमें नहीं झेलना पड़ रहा है, हमारे अहंकार को जो ठेस पहुंचती है, फिर उसका जो गंदा आलू पराठा वाला टेस्ट आता है ना, उसको मुझे झेलना पड़ेगा. अहंकार को जो चोट लगती है तो उसका जो रिजल्ट निकलता है उसको मुझे. तो मैंने अहंकार को पाल के रखा क्यों? मैंने भगवान के विश्वास को मैं लेकर क्यों नहीं आई? कल जैसी चीज संतों भरम है, वहम है, बना ही नहीं है, स्वयंभू मालिक ही है. अगर कुछ है, अगर कोई है, मालिक ही है. आई एम सॉरी टू से, हम स्वार्थ से भरे हैं. हमें अभी भी सब चीज सबसे चाहिए, तभी हमको अंदर से मालिक का दर्शन नहीं होता है. मुझे कुछ चाहिए ही नहीं तो पूर्ण पूर्ण ब्रह्मांड मेरे लिए पूर्णता की प्राप्ति के लिए वहीं पर मौजूद है. बाय डिफॉल्ट वी हैव बीन बोर्न इनटू ब्रह्मत्व. बाय डिफॉल्ट मेरे फादर है शिव, मेरे फादर है ब्रह्मा, मेरी माता है आदि शक्ति. बाय डिफॉल्ट तो मेरे अंदर में क्या होगा? खजाना परमानंद का, शक्ति का भंडार, आत्मिकता का मैं सोत्र हूं. बाय डिफॉल्ट. डिफॉल्ट मतलब आपके घर में जिसने जन्म लिया, बाय डिफॉल्ट उसको आपकी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, क्योंकि उसने जन्म लिया. आप बोलोगे दीदी इसने कमाई कौन सी करी? कमाई करके आया है, तभी यहां प्रकट हुआ है, उसको और कमाई करने की जरूरत नहीं है. हैविंग सेड दैट, जब उसको आपकी प्रॉपर्टी आराम से मिलती है, उसको आपके गंदे कर्म का फल भी मिलेगा. सावधान,
सावधान, जैसे हमको हमने हमारे माँ बाप के एसेट मिलते हैं, उनकी लाइबिलिटीज भी हमारे सिर पर पड़ती हैं, जो दिखाई देने वाले लाइबिलिटीज और जो नहीं दिखाई देने वाले लाइबिलिटीज भी हमारे सिर पर पड़ती है। समझ में आता है संतों? तो अंदर में पहचान जाओ। इसलिए कल की बात मेरे दिमाग को मालूम नहीं होती है, क्योंकि कल जैसी चीज आज जैसी चीज, फिर से आज जैसी चीज भी बनी नहीं है, जो है वो अब में है। और अब में थोड़ा राइट नाउ, अभी का भी अपने दिमाग को अब में लेकर जाओ, वहाँ ख्याल ही नहीं बचेगा, वहाँ मन ही नहीं है, वहाँ कोई विकार ही नहीं है, वहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब वहाँ जो है बस है। जो भी सत्य है वो इस समय है, राइट इन द नाउ। बाकी हर चीज मन का बकवास है। मैं इससे दोस्ती रखूं कि नहीं रखूं, आपकी मन की वास है, ये वासना है। मैं इससे बात करूं नहीं करूं, अंदर से फ्री योर सेल्फ फ्रॉम अ सेंस ऑफ कंपैरिजन। फ्री योर सेल्फ, हमारे अंदर में बहुत है, मेरे पास ना ये अच्छी सी चीज़ होगी तो मैं खुश होगा, अच्छा सा घर होगा मैं खुश होगा, अच्छे से मेरे दोस्त होंगे मैं खुश होगा, मेरे जीवन में ना बच्चे आएंगे मैं खुश होगा। ये सब मन घड़त वहम है, खुशी का इससे कोई मतलब नहीं है। उल्टा हमको इन सबको खुश करना पड़ेगा, हमको इस सबको मेंटेन करना पड़ेगा। ये कितना प्यारा सा ये फूल है, आप इसको थोड़ा ध्यान नहीं दो, भले रियल हो नहीं हो, आप उसको ध्यान मत दो। देखो धूल इसमें जमती जाएगी, फिर जाले भी जमते जाएंगे, फिर इसकी तो क्या हालत होगी। कोई भी चीज की हम अंदर में पाने की एक बीज रूप से भी संकल्प करते हैं, हमने अपने आप के लिए बंधन क्रिएट कर लिया, बंधन क्रिएट कर लिया। इसको बचा के रखो संत, इसके अंदर की हर फुरना को संभाल के रखो, एक भी पूर्णा संकल्प ही मत करो यहां पे किसी भी चीज का, हमको करना ही नहीं है। फटाक से वो चीज आपके सामने, अब उस चीज को गोदी में लेकर घूमो आप, उसके साथ आसक्ति क्रिएट हो जाती है, फिर उसकी मेंटेनेंस, उसकी हर चीज अपने आप जो भी आपके सामने प्रकट होता है उसमें आपका कोई खेल अगर नहीं है तो निश्चित रूप से समझ जाओ वहाँ वो आपका बंधन का काम नहीं करेगा, बंधन का काम नहीं करेगा। और अगर ऐसा है कि पास्ट की ना समझी के वजह से आपको लगता है आप बंधन में हो, तो बहुत आसान है, गुरु का वचन कैंची का काम करता है ना, एसिड का काम करता है ना, कैंची लो और काटो अपने बंधन को। हर बंदा स्वयंभू है, ईश्वर का ही रूप है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। अंदर ही अंदर आप देखो, क्या हम नहीं चाहते मेरे ना नाते को, मेरे पोते को भी ना दीदी का आशीर्वाद मिल जाए। अरे आप जिस घर में हो, हाँ आप स्वयं देवी हो, आप स्वयं ईश्वर हो, आपने वाणी को इतने अच्छे से पिया है, तो जहाँ आप हो वहाँ आशीर्वाद ही आशीर्वाद है। अपने मन को ऐसे बनाओ, अपने जीवन को ऐसे बनाओ। अंदर में क्यों आता है इनको ना, इनका आशीर्वाद मिले, क्यों आया मन में? हाँ आशीर्वाद मिले, ये बहुत सुंदर भाव है, आशीर्वाद तो बह रहा है, पर खाली मेरे नाती और नातों और पोती और पोतों के लिए ही क्यों? वाई? सिंपल ना, मोह है स्वार्थ। मतलब आप किस चीज का प्रमाण दे रहे हो? मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आपने वहां नारायण का दर्शन किया ही नहीं, अपने आप को नारायण के सुख से वंचित रखा। मैं सच्ची बोलती हूँ, मैं बार बार गुरु के मुख से हमने सुना है, जो ईश्वर है वो बहुत ही सिंसियर सेवाधारी है। सबसे पहले वो हमारे सामने सेवा के लिए प्रस्तुत होते हैं, हमारे नारायण,
प्रस्तुत होते हैं, पर हम उनसे सेवा लेना जानते ही नहीं हैं, जानते ही नहीं हैं। स्वार्थ से भरे हुए मन के लिए वो बिल्कुल भी उंगली भी नहीं उठाएंगे, पर जहाँ मेरा मन अंदर के अहंकार को पिघलने में लग जाता है तो वहाँ पर वो सारी भागा दौड़ी करेंगे, सारी भागा दौड़ी, जैसे माँ करती है उस बच्चे के लिए जो पढ़ाई में मग्न है। माँ खूब दौड़ेगी, खूब उसकी मदद के लिए करेगी, क्या नहीं करेगी, है ना। मेरे मन का रास्ता राइट, तो बाहर हमारे लिए निराकार सेवाधारी के रूप में खड़ा रहता है। उनसे सेवा लेना हमें जानना चाहिए, मालूम होना चाहिए। जस्ट बिकॉज यू आर वरीड, नोबडी कैन हेल्प यू, योर वरी इज सेल्फ क्रिएटेड, मालिक ने बनाई नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हो? जो हमारी मन की परेशानियाँ हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, हम धक्के खा रहे हैं, हम धूप में घूम रहे हैं, तो हमको उसके रिजल्ट में कुछ मिलना चाहिए। 24 घंटा शरीर कुछ तो करेगा, नहीं करेगा बिस्तर पकड़ लेगा, बीमारी आ जाएगी, तो 24 घंटा कुछ तो करेगा। तो ये कौन सा मेरा मन है जो हर कर्म के बाद फल की अपेक्षा रखता है, हर कर्म के, ये मेरा मन कौन सा है? मन को चेंज कराओ ना, मैंने बोला ना डायलिसिस, ब्लड को ठीक चेंज करो। किडनी काम नहीं करी तो बाहर किडनी का मशीन है जो किडनी काम करती है, वो मशीन काम करता है, तुम्हारे खून को बदलता है। अब हमको वो ज्ञान से अपने दिमाग की सोच धारा को बदलना है, वो दिमाग को ही बदलो। जो भी एक्शन मेरे शरीर द्वारा हो रहा है वो पहले ही मालिक ने मेरे लिए निर्धारित करके रखा है, उसके अगेंस्ट फल की अपेक्षा करना मिस यूज ऑफ गॉड्स ब्लेसिंग है, अब्यूसिव एप्टीट्यूड है, गलत है। समझ में आया? ना शरीर आपका, ना सेवा आपकी, तो उस सेवा का फल आपका कैसे? कैसे? मैं मेहनत कर रही हूँ सुबह से लेकर रात तक, अरे वन आर्म डिस्टेंस रखो ना। तुमको अभी भी पर्सनल सेवा, व्यवहारिक सेवा, सत्संग की सेवा अलग अलग लग रही है, इतने भिन्न भिन्न प्रकार का मन बांध के रखा है। आप हरिओम बोलकर एक रोटी बनाओ और जो किसके पेट में जाएगी उसका रूप को आप अंदर में लेकर मत आओ, लेकर मत आओ। बस ये जो शरीर पसीना पसीना हो रहा है, सेवा में जा रहा है, अच्छी बात है, बोलो मालिक तुझको अर्पण, मालिक तुझको अर्पण। आफ्टर सम टाइम मालिक तुझको अर्पण भी नहीं होएगा, शरीर अलग मैं अलग, शरीर अलग मैं अलग, मैं कौन? मैं आत्मा, ना कुछ करती ना भोगती ना ही उसका कुछ फल, करने वाला मैं नहीं। भले वो कोई भी, द मोमेंट आपके दिमाग में फल आ गया वो कर्म सकाम कर्म की कैटेगरी में आ गया, सारा आपका हिसाब किताब होगा। भले ही कितना भी आप बोलोगे 24 घंटे में दीदी 20 घंटा तो मैं आत्मिकता में ही था, थे, उसका भी फल मिलेगा, उसके वजह से आराम की भी अनुभूति आएगी। आप वैकुंठ के और पास जा रहे हो, वो 20 घंटा कितने कर्म आपसे बन सकते थे जो नहीं बने, बच गए आपके।